राजनीति के शिकार हुए जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा के सुकमा बस्ती के लोग, सरकार और प्रशासन से टूटा भरोसा, खुद कर रहे पहल, किया वोट बहिष्कार का ऐलान। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा के सुकना बस्ती के लोग सरकार और सरकारी तंत्र से नाराज चल रहे हैं। उनकी नाराजगी इस कदर हावी है कि बस्तीवासियों ने आगामी सभी चुनावों में वोट बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। बस्तीवासियों ने साफ कर दिया है कि विकास नहीं तो वोट नहीं। आखिर किस विकास की बात कर रहे हैं बस्तीवासी, क्या है इनकी मांग और क्यों है बस्तीवासी नाराज, ये जानने से पहले आपको बता दें कि क्या है पूरा मामला। दरअसल जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के NH 33 से बाली गुमा को सुकना बस्ती से जोड़ने वाले पुल की आधारशिला डबल इंजन की सरकार के कार्यकाल में साल 2017 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रखी थी। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत इस पुल का शिलान्यास हुआ था। तब यहां के स्थानीय विधायक सरयू राय हुआ करते थे। डबल इंजन की सरकार जाते ही विकास का पुल भरभरा कर ढह गया, यानी योजना धरातल पर आज तक उतरी ही नहीं। यही वजह है कि क्षेत्र के लोग ने अब वोट बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, बस्तीवासियों ने अपनी परेशानी से निजात का रास्ता ढूंढ लिया है। बस्तीवासी श्रमदान कर बांस के पुल का निर्माण कर रहे हैं ताकि उन्हें आने जाने में किसी तरह की परेशानी ना हो। मगर सवाल ये उठता है कि आधुनिकता के इस दौर में यूं कहें तो 23 साल के झारखंड में विकास का क्या यह पैमाना हो सकता है, वो भी केंद्र में जब देश का सबसे कर्मठ सरकार है। इतना ही नहीं, जमशेदपुर पश्चिम के विधायक राज्य के स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता है। बावजूद इसके सुकना बस्ती के लोगों का ये हाल है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या वाकई आगामी लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में बस्तीवासी वोट बहिष्कार करते हैं या सरकार एवं सरकारी तंत्र इनकी मांगों को पूरा करते हैं। क्या नाम क्या आपका? गुरु। कहाँ रहते हैं? कहाँ? बताइए, ये जो पुलिया बन रहा है इससे क्या दिक्कतें हो रही थी आप लोगों को और क्या अभी फायदा? आने जाने में दिक्कत होता है स्कूल छोड़ने के लिए। यदि सरकार बना देगा तो अच्छा रहेगा पुल बनाने से। तभी कौन लोग बना रहे हैं? अभी तो ये तो मिस्त्री से बना रहे हैं। बस्ती के लोग बना रहे हैं? बस्ती के लोग बना रहे हैं। बन जाने से राहत मिलेगा आप लोगों? बन जाने से राहत मिल जाएगा। जगह है और जो पुल जो बनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये बालीगुमा है, बालीगुमा भीम नगर है और ये जो पुल कनेक्ट होता है सीधा आपका डिमना चौक पे निकलेगा, लेकिन ये 5 साल से अभी तक रुका हुआ, जबकि बनने का कोई नामो निशान ही नहीं है। तो हमने सोचा है कि अभी इतना दिक्कत हो रहा है, बच्चों लोग का भी आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है, आप खुद ही देख सकते हैं कैसे करके लेके आ रही है। बीच में एक छोटा बच्चा भी गिर गया था, तो हमने बस्ती वासियों ने सबने चंदा किया, चंदा इकट्ठा करके बांस लेके आए और बांस का ही पुल अभी हम लोग बना रहे हैं और इसी पे अभी आवाजाही करने के लिए देखे। लेकिन ये भी डर लग रहा है कि अगर बारिश ज्यादा हो गई और डैम अगर छोड़ दिया गया तो तब भी हम लोग का पुल तो बह जाएगा, लेकिन तत्काल के लिए अभी हम लोग ऐसा बना के इसमें आवाजाही का काम जो है अभी हम लोग का चलेगा। और इसमें परेशानी तो इतना हो रहा है कि बोलने के लिए हजारों लोग अभी पार होते हैं। आप यहाँ पे खड़े रहेंगे तो देख सकेंगे कि लाखों लोग, मतलब हजार आते ही जाएंगे, जाते ही जाएंगे। और बच्चे तो सबसे ज़्यादा दिक्कत है। और हाईवे यहाँ पे सामने है आपका और इधर से 1 किलोमीटर घूम के जाएंगे तब आप डिमना चौक पहुँचेंगे। आपका स्कूल देरी हो जाएगा, बच्चा का कॉलेज देरी हो जाएगा, सारा चीज़ में लेट है। और अभी हाईवे रोड बना है तो अभी एक्सीडेंट भी सबसे ज़्यादा ही हो रहा है। आप मतलब क्या बोलेंगे, हर 15 दिन में एक्सीडेंट तो होते ही जा रहा है। तो इसी के लिए हमने सोचा है कि ये वाला हम लोग करवाएंगे। पूरा नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम संजना हसदा है और मैं बालीगुमा की ही रहने वाली हूँ। ये पुल जो है आपका 2019 में नितिन गडकरी, जो हम लोग का रोड परिवहन मंत्री है, वो पास के ऑनलाइन जो है शिलान्यास किया था। लेकिन उसके बाद उस समय के तत्कालीन विधायक सरयू राय थे, उसके कि 100 जातियों लोग इधर रहते हैं, उन लोगों के विरोध करने के कारण ये पुल जो पास हुआ था, लगभग 1.5 करोड़ का पुल था, वो पुल जो है मैंने अधर में लटक गया। और अभी जो इस सरकार बनने के बाद 3.5 साल पार होने को जा रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ पे हम लोग जब भी जाते हैं, मिलते हैं, मंत्री से मिले, अधिकारी से मिले, सब आश्वासन देता है कि बनेगा। इसके ठीक बगल में एक पुल बन रहा, आप देखिएगा, जो यहाँ पे लोग, वहाँ पे एक पुल है ऑलरेडी जबकि आने जाने के लिए। और यहाँ पे आपका भीमनगर, बालीगुमा, सुकना बस्ती मिला के लगभग 200 से 250 परिवार यहाँ रहता है और इधर से आना जाना करता है। जो आप लोग देखते होंगे, स्कूल बच्चा जाता है, जो रोज काम करने यहाँ डिमना जाते हैं, हाईवे में आजकल देखते हैं कितना एक्सीडेंट हो रहा है, छोटा छोटा बच्चा लोग अपने से यहाँ सरकारी स्कूल पढ़ता है। यहाँ आस पास में आपका 5 स्कूल है, 5 स्कूल में यहाँ का 200 परिवार का बच्चा पढ़ता है, तो 5 बच्चा पढ़ता है लोग। और यहाँ पे लोग यहाँ मैंने पैदल जाते आते रोज गिरते हैं, लोगों का पैर मुचकना, पैर टूटना, हाथ टूटना, इस तरह की आम घटनाएं होती हैं, बरसात के समय में ज्यादा होता है। लेकिन हम लोग जब देखे कि भाई चलो कुछ नहीं हो रहा तो आश्वासन ही मिला, तो हम लोग सभी बस्तीवासी मिल के अपना सहयोग से चंदा करके 10 रुपया 5 रुपया जो जैसा हुआ वो दिया है अपना, और ये लकड़ी का पुल हम लोग बना रहे हैं।
क्या नाम क्या आपका? उत्तम कुमार माथुर। कहाँ रहते? कहाँ? बालीगुमा भीमनगर। बताइए, जो अभी इधर से नाला पार करके आ रहे हैं, अंदर अंदर क्या दिक्कतें आ रही थी आप लोगों को और कहाँ जाते हैं आप? हम लोग को उधर हाईवे होके घूमना पड़ता है, वो ट्रैफिक ज्यादा रहता है उधर, फिर रास्ता भी बहुत मतलब ये हमेशा एक्सीडेंट वगैरह होते रहता है, बस आगे हम लोग को शॉर्ट भी पड़ता है इधर से। अच्छा, तो अभी ये जो बांस का जो बनाया जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे आप ग्रामीणों को? बीच में अगर पक्का पुल होगा तो हम लोग के लिए सुविधा रहेगा, गाड़ी उड़ी मोटरसाइकिल साइकिल वगैरह पार होने के लिए। अभी जो बन रहा है टेम्पोररी के लिए बन रहा है? अभी ये टेम्पोररी बन रहा है, इसे पानी से बहुत आदमी पतला रेलिंग है, पतला रेलिंग से गिर के नीचे भी गिर जा रहा है, तो मतलब कादा वगैरह में घुस जा रहा है, इसीलिए बना रहे। अपना नाम क्या हुआ? कौन सा जगह पर रहते हैं आप? बताइए, इस क्षेत्र इसी रास्ता से बच्चे को लेकर के आते हैं, क्या डर नहीं लगता है इस तरह से मतलब नाला में हेल के जाते हैं तो? डर लगता है, डर तो लगता है। तो फिर क्या कहना चाहेंगे आप? पुल बन गया तो अच्छा है। ठीक, नाम क्या है? राहुल बेहरा। कहाँ रहते हैं? कहाँ? भीमनगर। बताओ क्या दिक्कतें क्या होती है इस पुल इधर तक? जाते हैं और उधर से ना बहुत दूर पड़ता है, बोलते हम नहीं जाते उधर से। किधर से दूर पड़ता है? ओ मेन रोड होती है और उधर इतना गाड़ी वाड़ी भी चलता ना इसीलिए। अच्छा, और इधर से पानी में हम चले जाते हैं, डर लगता है कि इधर गिरने से इधर गिरने से डर लगता है। हाँ। फिर भी लेकिन जाते हो? हाँ। अभी जो पुल बन रहा है कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बन जाने से पुलिया ठीक हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़ वायरल, बिहार झारखंड।